हैप्पी धनतेरस, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी लाइट अभी ओपन हो गई, ठीक है। कलर में दे दूं व्हाइट है तो मेरे हिसाब से पिंक अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारा ऊपर मंदिर। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ज्योति धामे ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत ऐसे जा रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से करने ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं मॉर्निंग का थोड़ा बहुत काम करने के बाद कर रही हूँ। उठने के बाद मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया, क्योंकि आज है धनतेरस। तो सबसे पहले आई जस्ट होप आप लोगों का धनतेरस बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लॉग मैं कल डालूंगी। हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आई जस्ट होप मेरा भी अच्छा रहे, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग ही है, ठीक है। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अभी ही मॉर्निंग टाइम है जैसे मैंने बताया, और अभी ना थोड़ा बहुत ना मेरा टाइम टेबल फॉलो होने लग गया। आज मैंने थोड़ा बहुत करा, जो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल लिख रखा है विनोद और मेरा, विनोद ने तो आज फॉलो नहीं करा कुछ भी, वो लेट उठे हैं, लेकिन मेरा हो गया थोड़ा बहुत मॉर्निंग वाला। आई जस्ट होप दिन का भी मैं शाम तक पूरा इसको फॉलो करूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये पूरा बना रखा है कि हम अपना पूरा टाइम टेबल फॉलो करेंगे। अभी धीरे धीरे आ जाएगा रिदम में, थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा। अभी मॉर्निंग टाइम है, बाकी झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, सफाई हो गई है मेरी, बस मुझे ना नहाना है, नहाया नहीं है मैंने, अब मैं नहाती हूँ। बाकी मम्मी दिया बाती कर रही है मंदिर में, मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और नहीं पहले नहा लेती हूँ उसके बाद पूजा पाठ कर लेती हूँ थोड़ी, फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो विनोद की भी थोड़ा तबीयत खराब थी, आप ठीक है? तुम्हारी तबीयत आज रिलैक्स फील हो गया? हां अब रिलैक्स फील हो गया। तो विनोद तो नहा धो के आ गए, अब मैं चली जाती हूँ। मैंने कितने बार बोल दिया ना मुझे नहाना है, नहाना है। हाँ आज धनतेरस है, धनतेरस आज है। कौन सा पैंट है ये? अच्छा तो लग रहा है ये, गुड। ओ माय गॉड, आज तो मेरे पति क्रीम लगा रहे हैं क्योंकि मेरे पति क्रीम बहुत कम लगाते हैं, बहुत कम के लगाते ही नहीं है। गुड यार, क्रीम लगा के तो तुम स्मार्ट लगते हो। बेइज्जती कैसे करता है स्मार्ट। तो नहा धो के दिया बाती कर दी है मैंने, देख लो नहा लिया मैंने, और आज मैंने सूट पहनी है। ये सूट मैंने सिलवाया था, पहना नहीं था तो ये भी पहन लिया, और बाकी पूजा पाठ मेरी हो गई है, और दिया वगैरह तो सब मम्मी लोगों ने, मम्मी और विनोद ने जगा दिया था, बस हाथ जोड़ के आई, टीका लगा के आई। अभी बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बना मेरा, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और ठीक है। आज मेरे को तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत दिनों बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो ठीक है, अभी चलते हैं किचन की तरफ, और ये रहा मेरा सूट, अफगानी पजामा बना रखा है मैंने। खाना वाना खा के हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे धूप में, क्योंकि जिया की भी छुट्टी हो गई है। इनका तो मजा भाई, इनकी स्कूल में इतनी छुट्टी होती है ना, इतनी छुट्टी होती है क्या बताऊं। एक चीज होता है फिर 10 दिन की छुट्टी होती है, एनुअल फंक्शन हुआ था 15 दिन की छुट्टी कर दी, पता नहीं क्या है, मतलब लोगों का स्कूल ही है, मतलब इनकी कब से दिवाली की छुट्टी हो गई, पूरे 15 डेज ना, 15 डेज की छुट्टी, वो भी दिवाली की। यार मैं बताऊँ हमारे टाइम पे एक तो वो क्या बोलते हैं, एक 3 दिन होती थी शायद, 2 दिन या 3 दिन शायद, वो भी अच्छे से याद नहीं है मेरे को, भूल गया। यहाँ देखो 15 दिन की छुट्टी भाई, वो भी बिना होमवर्क के, 3 दिन की छुट्टी में भी होमवर्क मिलता था, वो अलग। क्या कह रहे हैं, दिन बदल गए, वक्त हालात जज्बात सब बदल गए। बाकी यहाँ तो हो ही गई है सफाई, आज सौरभ लोगों को यहाँ भी करना है थोड़ा झाड़ू पोछा, क्योंकि वो लोग यहाँ है नहीं, चाचा चाची भी यहाँ है नहीं, तो कभी कभी कर देते हैं हम लोग, इसीलिए। अभी मम्मी भी आ रही है, मम्मी अभी पानी डाल लिए, बाकी यहाँ भी करनी है थोड़ी बहुत सफाई। चला तो मैंने खस ली कमर, ठीक है हम करेंगे, आप करोगे सफाई। तो मेरा फिर सुबह सुबह फेर के आ रहे हैं, ज्यादा बुआ के घर ही रहती है, खाना भी वहीं खा के आ रही है। दद्दू इधर इधर, कपड़े पहन पहन,
देखो गंदा बच्चा, गंदा बच्चा कासु। कासु नंगू रे फै बोलेंगे तो आ तो सब बोलेंगे कि कासु तू कैसे गंदी है, अपनी मम्मा की केना भी नहीं मानती, खिलाओ तू गंदू है क्या फरोग। देखो गाइस गंदी बच्ची कासु भी गंदी बच्ची है। क्या कह रही है वो देखती दिखते अच्छे से पहन के आई है, हाँ तुझे नहीं पहनना फिर ले जाएगी भी नहीं कहीं अपने साथ। बाय बाय। हेलो क्या हेलो हेलो बाय। हेलो गाइस क्या आजा बाल बना देती हूँ, क्रीम पाउडर नहीं लगाना जल्दी क्या देगा तू। वाओ गाइस सुंदर देख तो कर कछु चुप्पी। आज चिड़िया बनाई इसकी मैंने पहली बार, बाल ही नहीं है बेचारी के सर पे। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है चिड़िया बना के? ये क्या है तो हमारे घर पे भी लग जाएगी आज लाइट। भैया आ गए लाइट लगाने के लिए। मैं तो चली झाड़ू कटका करने, झाड़ू पोछा करने, बना के डाल दिया तो हम चले काम करने। चोटी देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही ना। किसको बचा भाई, चोटी भी लगने लग गई उसको। वहाँ ऐसे ना मोड़ के नीचे करके ना नीचे गोले बना दे, हाँ ऐसा कर दो वो ज्यादा सही लगेगा। हाँ तो जैसे ज्यादा नीचे भी हो गया तो ना ताकि मैं ऊपर को मोड़ लूँ, या फिर कोई नीचे चाहिए फोटो वोटो खींचने के लिए तो मैं खोल के लंबा कर लूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिखा रही थी आज हमारी भी लग जाएंगी। तो यहाँ चल रही हमारी सफाई सारे लोगों की, क्योंकि वो लोग यहाँ है नहीं, उधर मम्मी और मैंने कर दिया। दिवाली है तो अब करना ही हुआ, वैसे भी करते ही हैं मम्मी तो है, वो रोज ही करती है मम्मी, कभी कभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आज तो दिवाली है, ये देख इसके आते। हाँ तो हमारी लाइट्स भी बस ऑलमोस्ट लगने ही वाली है, मस्त। अभी वाला वीडियो देखा था कल गाइस पे, उसे मम्मा पैसे दे दे। क्या चाहिए? दुकान जाना है। मैं क्या करूँ फिर दुकान जाना है तो? क्या लेके आएगा तू दुकान से? पोप नहीं खाते। पैसे कहाँ है आपके पास? मेरे पास कहाँ है? मैं दुकान जा रही हूँ। मेरी बन रही है यहाँ पे चाय भैया लोगों के लिए, मीटिंग भी ऑलमोस्ट पूरी हो ही गई है। इतनी परवोस हूँ मैं, सब्जी डाल रखी है मैंने किचन में, मेरे को होश ही नहीं है इस दुनिया की। करेले डाल रखे, करेले ना जले हो मेरे, नहीं जले यार, हल्के आंच पे रखने का यही फायदा होता है बस। तो यहाँ पे हो गई मेरी दिन की तैयारी और मैं बना रही हूँ रोटी, करेले की सब्जी बनाई है मैंने, क्योंकि विनोद की भी तबीयत थोड़ा ऐसी हो रही है और मम्मी तो ज्यादा रोटी खाना पसंद करती है और मेरे को भी रोटी चली जाती है, तो इसलिए मैं रोटी बना दे रही हूँ दिन में। उसके बाद जाऊंगी मैं मार्केट सामान वामान लेने के लिए, आज धनतेरस है तो खाना वाना खा के जाती हूँ दिन के बाद। तो मैं निकल गई मार्केट को, अभी मैं पूजा के साथ जा रही हूँ, थोड़ी देर में विनोद भी आ जाएंगे, तो क्योंकि पूजा को जल्दी आना है तो बाद में हम दोनों कर लेंगे, अभी मैं जा रही हूँ पू के साथ। पहुँच चुके हैं मार्केट, गाड़ी पार करके, पार्किंग नहीं मिल रही थी, बड़े मुश्किल से लगा के आए गाड़ी। और देखो भीड़ धनतेरस की है, कहाँ से लेना है, कहाँ जाए सबसे पहले है? सुनार गली ना।
वहाँ तो ऐसे बनाती हूँ ना पूरे मार्केट का टैंक स्लैप बना। मार्केट में पहुंचते मैं भूल गई मुझे क्या क्या लेना है करके सब भूल गई। वो तो अच्छा मैं आज नोट बना के आई हूँ तो मुझे क्या क्या लेना है। हाँ ये एक तो बड़ी मुश्किल से ना घुस घुस के हमने दिए वगैरह खरीद लें अभी बाकी का सामान ले रहे हैं। इतनी भीड़ में सामान लेना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। तो पूजा चली गई है घर और विनोद आ गए मेरे साथ देने के लिए क्लिनिक जाना है तो दिए और दे की बात या तो ले ली अभी हमें मंदिर के लिए लेना है कुछ झोल चम्मच। हैप्पी धनतेरस थैंक यू। तो अभी हम देख रहे हैं मतलब मंदिर के आगे लटकाने के लिए सुंदर लग रहा है विनोद अच्छा लग रहा है क्योंकि वो वाइट है तो मेरे हिसाब से पिंक अच्छा लगेगा क्योंकि जो हमारा ऊपर मंदिर का वो बना हुआ है ना डिजाइन उसमें पूरा वाइट है। हाँ ये वाला और देख लेते हैं क्या तुझे मैंने दिखाया था ना वो एक भैया आए थे दूसरे उन्होंने भी लिया तो 600 रुपए कह रहे थे हमने 200 में ले लिए शायद वो आ भी नहीं उतना उनको थैंक यू बोल के आए और दिवाली भी मिस करके आए नहीं तो हम 300 में लेके आते हम दोनों एक जैसे वैसे भी कुछ ज्यादा बता नहीं रहता हमें। तो मार्केट से हम लोग निकल गए हैं थोड़ा बहुत सामान और लेना है और अभी हम जा रहे हैं देव सिंह फील्ड में क्योंकि यहाँ लगी है पूरे पटाखों की दुकान है अभी हम घुसेंगे अंदर। आजकल तो हर जगह भीड़ ही भीड़ है नंबर नहीं है क्या नंबर नहीं है तो दीदी बढ़िया दीदी पटाखे लेंगे हम। तो यहीं से स्टार्ट है गेट से आते ही फर्स्ट शॉप भैया की है बहुत अच्छी दुकान है लेते हैं लेते फेमस कर दो फेमस तुम लोग ऑलरेडी फेमस हो। पटाखे भी तो ले आओ पटाखे आओ थैला फुल करके ले जाऊंगी तुम जा। तो हम ढूंढ रहे हैं नरेश भैया को अगर मिलते हैं तो ठीक है नहीं तो हम कहीं से भी ले लेंगे जहाँ होगा जिस कोने में होगा बताने कलर में दे दो फर्स्ट हम भैया के शॉप पे आए थे और यहीं से ले जाएंगे हम पटाखे अनार कलरफुल ताकि वीडियोस और फोटो मेरी अच्छी आए तो हमने ले लिए पटाखे अब हम पटाखे पैक करेंगे और निकलेंगे यहाँ से सीधे मार्केट। हमने ले लिए अपने पटाखे भैया हैप्पी दिवाली तो हम निकले यहाँ से पटाखे ले लिए और नई चीज झाड़ू भी ले लिया सामान ऑलमोस्ट ले ही लिया हमने अभी हम निकलेंगे इधर से भीड़ देखो भैया भीड़ और हर गली में ऐसी भीड़ तो यहाँ से खरीदी हमने नीलेश के लिए पिस्टल दिखाओ चलो सामान बहुत ज्यादा हो गया है और ये देखो बीन यहाँ से निकलना मुश्किल पकड़ना पड़ेगा आज तो ऐसा भी नहीं कि किसी एक गली में भीड़ है हर गली में ऐसा ही है मतलब पैर रखने की जगह किसी भी गली में जाऊं कहीं भी घुसूं और आज हमारा एक जम्मी ब्लॉग हो गया क्योंकि सर को याद ही नहीं था कोड नंबर तो हमें सारा ऑनलाइन करना पड़ा कहीं पे किसी को पे करके पैसे लेके बड़े अजीब तरीके से शॉपिंग करी आज हमने हम जा रहे घर को हम लोग पहुंच गए हैं घर और दोनों मारे थे यहीं पे इनको चैन ही कहा था ये पिछले साल की जैसे लाऊंगा फिर कैसे लाऊंगा
नीले की बंदूक। बस आज हमारी लाइट भी चल गई। कपड़े कौन लाया? यार भाई तुम आवाज कितनी लगा रहे हो बताओ। हाँ गरम वाले में, फर वाले में, गरम वाले में। सब जगह आज हमें जाम ही जाम मिल रहे हैं। बस बस हमारी लाइटें भी ओपन हो गई, ठीक है। ये हमारे घर की पूरी लाइट। अरे मुंह मत लगाना, करंट लगेगा पगलू। तो सामान वामान खरीद के हम लोग पहुंच गए घर। घर पहुंच के चेंज वगैरह करके मैंने चढ़ा दी है सब्जी, बाकी रोटी वोटी बनाएंगे अभी आराम से। थकान हो गई है यार, बट मार्केट में मस्त चहल पहल हो रखी है एकदम। चहल पहल भी और पैर रखने की जगह भी नहीं है, सीधी सी बात। तो ठीक है, तो कैसा है? मैंने कहा अभी डांस किस वगैरह गुलाबी सरारा, बोल दो बाबा। कासू का फेवरेट गाना है गुलाबी सरारा। ये कहती इससे कहना नहीं आता, नहीं कहती तक तक तलाला लगाओ मम्मा, दुलाल थलाला दुलाली थलाला। कौन सा गाना पसंद है? शर्माती भी है मेरी बच्ची, अब शर्माना भी सीख लिया इसने। तो आप खाएंगे अब खाना, टीवी कर दी बंद, अब खाना खाएंगे। चलो यस बेबी, खाना खाएंगे। तो हम कर लेते हैं अपना डिनर।